Hello and welcome to SST class again, my dear students. Today we are into the final session of the chapter which is already in progress, chapter number 5 of your civics, the judiciary. In today's video, we will be winding up this chapter, okay, and we'll covering the whatever portion is being left out. We have already discussed this chapter in previous two videos, so this would be the final one. Fine. We will be discussing today one of the topics given on page number 61 of your textbook. What does that topic reads? The topic reads, does everyone have access to the courts? Dear students, in our previous lectures, just before this topic, we have discussed about the criminal cases and about the civil cases, about the Supreme Courts, High Courts, subordinate courts, district courts. We have gone through the hierarchy of the court system. Now here we will see कि डज रियली द कोर्ट सिस्टम इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी इन द कंट्री. क्या हमारी इंडिया की जो न्यायपालिकाएं हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो सबके लिए एक समान है क्या और सबके लिए अवेलेबल है क्या, और कैसे, हाउ डज अवर इंडियन जुडिशरी सिस्टम एंश्योर दैट जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड टू एवरीबडी. हर उस व्यक्ति को जस्टिस दिया जाना चाहिए जिसके साथ में कुछ गलत हुआ है. अगर वो इंडिया का सिटीजन है या जैसे भी इंडिया में रह रहा है, ही शुड बी प्रोवाइडेड जस्टिस इफ ही इज नोकिंग द डोर ऑफ अ कोर्ट. तो देखते हैं, लेट्स सी. यस, द जस्टिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन अप्रोच टू द कोर्ट विच आर देयर इन इंडिया. कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है अपनी अपील लेके, अपना केस लेके. फाइन, ही कैन आस्क फॉर द जस्टिस टू बी डन इफ एनी वंस फंडामेंटल राइट्स आर बींग वायोलेटेड. If in any case the fundamental rights of the people are being violated, then of course they can move to courts. There are many fundamental rights: right to life, right to freedom of speech, right to get healthy drinking water. There are many. Okay, we are not going to discuss them again. ठीक है, अगर कहीं भी किसी एंड पे किसी सिटीजन को ये लगता है कि उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो उससे छीने जा रहे हैं या उनकी राइट्स की कहीं ना कहीं पे हैम्पर हो रहे हैं, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं. दे कैन फाइल अ कोर्ट इन द कोर्ट सॉरी दे कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट. बट समटाइम्स व्हाट हैपन इज ड्यू टू द वेरी टिपिकल लीगल प्रोसीडिंग्स, टिपिकल पेपर वर्क एंड एक्सपेंसिव कोर्ट फीस ऑफ सम फॉर्मेलिटीज टू बी डन, द प्रोसीजर्स बिकम्स वेरी फार फ्रॉम पुअर पीपल. कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोसीडिंग्स में पैसे लगते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, उनमें जो चीज़ें लिखनी होती हैं, ओके, जो वेटिंग टाइम है दैट इज टू लॉन्ग, दैट इज सो मच लॉन्ग कि इट बिकम्स रियली वेरी हार्ड फॉर पुअर पीपल एंड मेनी अदर पीपल टू गेट जस्टिस ऑन टाइम एंड अ प्रॉपर जस्टिस, है ना. तो जो पर्सन दे आर पुअर, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दीज प्रोसीडिंग्स, दीज कोर्ट फीस. जो गरीब व्यक्ति है, कई बार वो इन खर्चों को अफोर्ड नहीं कर पाता है, इस वजह से वो कोर्ट नहीं भी जाता है या उसको जस्टिस नहीं मिल पाता है. ठीक है, अच्छा. फॉर दिस, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि जस्टिस इज नॉट अवेलेबल टू द पुअर पीपल या टू द इलिटरेट पीपल, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, दे आर नॉट सो वेल एजुकेटेड, दे डोंट नो अबाउट द लीगल प्रोसीडिंग्स. फाइन, एंड दे गेट ट्रैप्ड इन द यू नो सम इरेगुलरिटीज ऑफ अ सिस्टम. वो कुछ ऐसी चीज़ों में दांवपेच में फंस जाते हैं जिसका उनको खुद नहीं पता होता कि उससे कैसे बाहर निकला जाएगा. सो इन ऑर्डर टू कीप अ चेक ऑन दिस, इन 1980s द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, हैज पास्ड अ रूल दैट देर वॉज अ मैकेनिज्म दैट वॉज बींग अनाउंस्ड कोल्ड PIL. ओके, PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट PIL इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इन डिटेल, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी. वी विल गो थ्रू द डिटेल विच एवर वट एवर इट इज सफिशियंट टू बी एक्सप्लेन एज फार एज योर NCERT क्लास 8 सिलेबस इज कंसर्न. आई विल ट्राई टू एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड वट इज द मीनिंग ऑफ दिस PIL, जनहित याचिका के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाए. मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा इन दिस सेम वीडियो. सो
जस्ट कीप वॉचिंग एंड वेटिंग दिस वेट एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक अगेन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इन हिंदी वी से इट जनहित याचिका. पब्लिक मीन्स जन, इंटरेस्ट मीन्स हित, एंड लिटिगेशन मीन्स याचिका. ओके नाउ हाउ दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्क्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट इट वॉज बींग इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1980s. फाइन, नाउ हाउ डज इट वर्क, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जनहित याचिका में क्या होता है एंड हाउ डज इट एंश्योर दैट पुअर पीपल कैन रीच टू द कोर्ट या जस्टिस विल रीच टू दैम इफ एनीथिंग अनजस्ट हैज हैपन टू दैम. किस तरीके से न्याय इंडिया के हर व्यक्ति तक पहुँचेगा और उन गरीब लोगों तक पहुँचेगा जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे PIL के थ्रू. देखिए PIL में क्या होता है, व्हाट डज PIL सेज, व्हाट डज PIL गिव अ फैसिलिटी. इसमें ये फैसिलिटी होती है कि इफ अ पर्टिकुलर थिंग अराउंड अवर लोकेलिटी इन अवर सिटी या मे बी इन अवर स्टेट या मे बी इन अवर कंट्री, एक कॉमन चीज कई लोगों को इफेक्ट कर रही है, इट इज इफेक्टिंग टू द लाइफ्स ऑफ मेनी पीपल, मे बी 10 पीपल, 20 पीपल, 50 पीपल, 100 पीपल या थाउजेंड्स ऑफ पीपल. अगर कोई एक चीज दैट इज हैपनिंग रॉन्ग इन अवर आईज विच वी कैन सी एंड दैट रॉन्ग थिंग इज डूइंग हार्म टू मैनी मैनी पीपल टू एंटायर पब्लिक सिस्टम, सो एनी पर्सन कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर द जस्टिस फॉर दोज 100 पीपल, 200 पीपल, एनी नंबर ऑफ पीपल. ओके, यानी अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी में किसी एक चीज से उसका नुकसान हो रहा है, एक व्यक्ति का हो रहा है, दो का हो रहा है, चार का हो रहा है, पांच का हो रहा है, 10 का हो रहा है, एंड दे आर सो पुअर दैट दे कांट गो टू कोर्ट एंड दे आर सो नॉट सो मच लिटरेट एंड एजुकेटेड, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट लीगल प्रोसीडिंग्स, सो इन दैट केस एनी ऑफ द पीपल कैन कम फॉरवर्ड. एनी सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी इस तरह का समाजसेवी सामने आके कोर्ट में उनके बिहाफ पर केस दायर कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, चाहे उसके साथ में कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसको लग रहा है उसके आसपास में लोगों के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उनके बिहाफ पे कोर्ट में PIL दाखिल कर सकता है. ही कैन फाइल एन PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, इफ सपोज वी हैव मैनी अ टाइम वी हैव सीन अबाउट द यूसेज ऑफ प्लास्टिक पोलिथीन बैग्स. ओके, एंड इफ दोज प्लास्टिक पोलिथीन बैग्स आर रियली डेंजर फॉर स्ट्रे एनिमल्स. ओके, जो प्लास्टिक पोलिथीन बैग्स होते हैं दे आर रियली अ थ्रेट फॉर द स्ट्रे एनिमल्स. स्ट्रे एनिमल्स वाट दे डू इज वेन दे आर हंग्री दे टेक ऑफ सम फूड्स फ्रॉम द रोड्स एंड पोलिथीन बैग्स ऑल्सो गेट्स इन साइड देयर स्टोमक. ओके, तो प्लास्टिक की पोलिथीन जब उस स्टोमक में चली जाती है इट कैन इवन किल एन एनिमल. ओके, इट इज सो मच हैजार्डस बिकॉज इट डजेंट डिके इन द स्टोमक, यू नो प्लास्टिक पोलिथीन डजेंट डिके इवन बाई यू नो सो मच हॉट सनशाइन एंड वेदर, तो हाउ कैन इट कैन डिजोल्व इन अ स्टोमक, हाउ कैन एनिमल डाइजेस्ट. सो इफ एनी सोशल एक्टिविस्ट एनी कंसर्न पीपल फील दैट कलेक्ट मीन्स दोज प्लास्टिक बैग्स आर अ ह्यूज कंसर्न फॉर द स्ट्रे एनिमल्स एंड फॉर अदर एनवायरमेंटल इशूज, तो वो कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं इस पोल्यूशन के अगेंस्ट कि देयर शुड नॉट बी प्लास्टिक बैग्स यूज नियर अराउंड द लोकेलिटी या देयर शुड बी अ प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड या देयर शुड बी अ प्रॉपर वे टू मैनेज द वेस्ट, जिससे कि वो चीज़ नोइंगली अनोइंगली स्ट्रे एनिमल के शरीर के अंदर ना चली जाए. द स्ट्रे एनिमल डू नॉट इनटेक इट वाइल ईटिंग वाइल फेचिंग फॉर फूड. ओके, सो एनी सच पर्सन सोशल वर्कर कैन फाइल अ PIL अगेंस्ट दोज पोलिथीन बैग्स या एनी सच एनवायरमेंटल इशूज इफ दे फील दैट देर इज अ हैवी स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम एनी फैक्ट्री विच इज नियर बाई टू दैम एंड पीपल आर अफेक्टेड, दे आर गेटिंग अ यू नो ब्रीथिंग डिसीज, फाइन रेस्पिरेटरी डिसीज आर अकरिंग, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है आसपास में जो लोग रह रहे हैं, तो कोई भी एक व्यक्ति
उन सब लोगों के बिहाफ पे एक केस फाइल कर सकता है कोर्ट में, बिकॉज सो मैनी पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड. ओके, देन कोर्ट विल हैव टू लिसन दैट इफ द थिंग इज रियली वेरी सीरियस. ओके, देन वी विल जस्ट सी सम गुड रिजल्ट्स दैट हैज स्टार्टेड कमिंग आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL. सी, एज फार एज द आर्टिकल नंबर 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन हैज राइट टू लिव, राइट टू लाइफ. ओके, एंड सी, लाइफ, द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ पर्सन टू रिमेन अलाइव इज, किसी को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है? प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एयर, एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट थिंग इज फूड टू ईट. अनलेस एंड अंटिल अ पर्सन इज गेटिंग फूड ऑन टाइम, अगर उसको समय पर खाना नहीं मिल रहा है तो ही वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव. तो वॉट हैपेंड वॉज, थ्रू दिस PIL, अ वेरी रेवोल्यूशनरी चेंज वॉज बींग इंट्रोड्यूस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. दैट वॉज कि देर वर सम चाइल्ड हु वर कमिंग फ्रॉम दोज होम्स वेयर इवन प्रॉपरली लंच वॉज नॉट बींग गिवन टू देम. दे वर नॉट कैरिंग टिफिन फ्रॉम देयर हाउसेज वेन देवर लिविंग आउट फॉर स्कूल. जब वो स्कूल आते थे उनके पास टिफिन भी नहीं होता था. नाउ यू कैन इमेजिन इफ अ स्टूडेंट इज सिटिंग इन अ स्कूल फॉर 6 आवर्स विदाउट हैविंग प्रॉपर ब्रेकफास्ट फ्रॉम द हाउस इवन एंड नॉट इवन हैविंग अ प्रॉपर लंच, हाउ कैन ही स्टडी ओवर देयर? हाउ विल ही सर्वाइव? ही विल बी बिकम वीक एंड वीक डे बाई डे. सो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन ऑर्डर आफ्टर कीपिंग दोज थिंग इन माइंड, PIL वॉज बींग फाइल्ड एंड इट वॉज बींग इम्प्लीमेंटेड दैट एज एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रेन, सेम वे फूड इज ऑल्सो नेसेसरी. जिस तरीके से एजुकेशन स्कूल के थ्रू प्रोवाइड होती है, इसी तरीके से द चिल्ड्रेन हु आर कमिंग फ्रॉम फैमिलीज वेयर द फैसिलिटीज आर नॉट एडुकेट, दे विल बी प्रोवाइडेड मील इन द स्कूल, लंच इन द स्कूल. नाउ दिस मिड डे मील हैज बिकम कंपल्सरी इन ऑल द प्राइमरी स्कूल्स, ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट्स. ओके, सो दिस वॉज द आउटकम ऑफ PIL. ओके, अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू इन सम फ्यू सिंपल वर्ड्स. अगर किसी को भी ये लगता है कि किसी एक रीजन की वजह से उनकी लोकेलिटी में, उनके आसपास में 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 500 लोग अफेक्टेड हो रहे हैं और वो किसी ना किसी कारण से केस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग या तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, या उनके पास समय नहीं है, दे आर नॉट सो वेल एजुकेटेड, या दे आर फियर ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स या पुलिस सिस्टम, देन एनी एक्टिविस्ट, एनी लर्नड पर्सन कैन फाइल द केस ऑन देयर बिहाफ. गवर्नमेंट विल श्योरली गिव सम टेक सम एक्शन अगेंस्ट इट. इवन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इफ समवन गिव्स अ रिटन लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या इफ अ पर्सन सेंड्स अ टेलीग्राम टेलीग्राम इन रिटर्न टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देन ऑल्सो दैट विल बी एंटरटेन्ड एज अ केस. वो भी एक केस माना जाएगा कि समवन हैज फाइल्ड अ कंप्लेन. एंड लेट मी टेल यू, PIL आर ओनली फाइल्ड इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया. द लोअर कोर्ट्स डजेंट गिव्स द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग एन PIL. ओके, वी विल बी कंटिन्यूइंग एट, सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस एट. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी फाइनली वाइंडिंग अप दिस चैप्टर थ्रू सम पॉइंट्स लेफ्ट आउट. सी, समटाइम्स द डिसीजंस दैट आर बींग अनाउंस्ड बाई द कोर्ट्स दे बिकम हैजार्डस फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द पुअर पीपल. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोर्ट ऐसा डिसीजन अनाउंस कर देता है ड्यू टू सम केसेस विच आर फाइल्ड इन द कोर्ट, कि जो सोसाइटी के कुछ लोगों के फेवर में नहीं होता. वो कुछ लोग सोसाइटी के एक पर्टिकुलर ग्रुप को वो ऑर्डर नाखुश कर देता है. ठीक है, दोज पीपल आर नॉट एबल टू कोप अप विद द डिसीजन अनाउंस्ड. कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल. सी, इफ सपोज इन अ सिटी, इन अ बिग सिटी, इन अवर शामली सिटी ऑल्सो वी कैन सी दिस इज अ क्वाइट कॉमन थिंग दैट वी यूज टू सी ट्रैफिक जैम्स ऑन द रोड. इट इज क्वाइट कॉमन. कभी भी ऐसा हो जाता है कि वी यूज टू कीप वेटिंग फॉर इन अ लॉन्ग ट्रैफिक जैम. ओके, तो वट हैपन्स इज इन सच केसेस द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स अ स्टेप. वो क्या करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वट डज इट सजेस्ट? कि देयर शुड बी नो ऑक्यूपेंसी ऑन द रोड
ऑफ एनीथिंग अदर देन द व्हीकल्स। क्या क्या मतलब है इस बात का? ट्रैफिक पुलिस अनाउंसेस, द पुलिस अनाउंसेस कि रोड पर केवल और केवल व्हीकल्स होंगे, देर शुड बी नो पोर्टर्स, नो वेंडर्स, नो होकर शुड बी देयर हु आर सेलिंग देयर आइटम्स ऑन द रोड। ओके, उससे क्या होता है, द गवर्नमेंट फील्स, द एडमिनिस्ट्रेशन फील्स कि बिकॉज ऑफ देम द ट्रैफिक जैम टेक्स प्लेस। दे आर सिटिंग साइड बिसाइड द रोड, दे आर सेलिंग समथिंग, द पीपल आर कमिंग देयर, दे आर पीपल आर पार्किंग देयर व्हीकल्स, समटाइम्स दे आर नॉट इवन पार्किंग, दे आर परचेजिंग द आइटम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ लॉन्ग क्यू एट द बैक साइड। कई बार लोग रोड पर ही अपना व्हीकल को स्टॉप करके दे स्टार्ट परचेजिंग समथिंग, एंड द पीपल दोज आर बिहाइंड दे कीप ऑन होंकिंग, दे कीप ऑन ब्लोइंग देयर हॉर्न, एंड द ट्रैफिक बिकम्स हॉरिबल। तो इन दो सिचुएशंस द कोर्ट सेज या लोकल एडमिशन सेज दैट वेंडर्स वुड नॉट बी अलाउड टू सिट ऑन द रोड्स, होकर्स विल नॉट बी अलाउड, पोर्टर्स विल नॉट बी अलाउड टू सेल देयर आइटम्स। बट डोंट यू फील कि बाय दिस स्ट्रिक्ट लॉज द पीपल दोज हु आर डिपेंडेंट फॉर देयर लाइवलीहुड फॉर सेलिंग दिस आइटम्स, जो लोग रोज रोड पर अपना चीजें सेल करके, अपना सामान सेल करके डेली अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, उनका क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट रूल पास कर दिया कि देर विल बी नो रोड साइड यू नो ऑक्यूपेंसी, देन व्हाट विल दे डू दोज पीपल? वी हैव सीन इन न्यू दिल्ली एट ट्रैफिक लाइट, व्हेन वी स्टॉप अ व्हीकल देर आर सो मेनी पीपल सेलिंग समथिंग और अदर। इफ अ गवर्नमेंट सेज दैट दिस इज नॉट अलाउड, दिस सेलिंग इज नॉट अलाउड, वेयर विल दे गो? कहाँ जाएंगे वो लोग अगर उनको मना कर दिया गया? तो ऐसा हो जाता है कई बार कि एक किसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो डिसीजन अनाउंस होता है वो किसी दूसरे ग्रुप को अफेक्ट कर देता है। ओके, इन सम केसेस इट हैपेंस, लाइक इन मेनी प्लेसेस देर आर सम अनऑथराइज कॉलोनीज वेयर पीपल आर लिविंग जस्ट बाय पुटिंग द टेंट। ओके, बाय पुटिंग अ टेंट या पुटिंग अ शेल्टर, टीन शेल्टर, एंड दोज प्लेसेस आर अनऑथराइज। तो उससे क्या होता है, द सिटी गेट्स ब्लॉकेज। सपोज दैट प्लेस इज बींग यूज फॉर अदर पर्पज, फॉर डंपिंग ग्राउंड या किसी और काम के लिए अगर वो यूज हो सकती थी, और वहां पे द पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन अ अनऑथराइज वे, तो वॉट विल हैपन? द एंटायर सिस्टम ऑफ द सिटी विल गेट डिस्टर्ब। तो अगेन इफ द गवर्नमेंट अनाउंसेस, इफ द कोर्ट अनाउंसेस कि नो दिस हाउसेज आर अनऑथराइज एंड इट शुड बी रिमूव, तो अगेन सो मेनी पीपल विल बिकम होमलेस। बट सी समहाउ द कोर्ट सी द बेनिफिट ऑफ बिगर परसेंटेज ऑफ पीपल, फाइन, कि ज्यादा कितने लोगों को नुकसान हो रहा है और ज्यादा कितने लोगों को क्या हो रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है। ओके, नाउ इन दीज केसेस कोर्ट अनाउंसेस एविक्शन, मीन्स कि एरिया को खाली करा दिया जाए एंड द सिटी शुड बी नीट एंड क्लीन अवे फ्रॉम दिस शेल्टर्स, मीन्स ये शेल्टर्स वगैरह सब हट जाने चाहिए। ओके, सो दिस एविक्शन समटाइम्स क्रिएट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द पीपल दोज हु आर रियली होमलेस। फाइन, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, इट इज बींग सेड ड्यू टू अवर ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, देर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्ट्स इन अवर कंट्री एंड लिमिटेड नंबर ऑफ जजेस आर देयर टू अनाउंस द डिसीजन, द क्यू इज वेरी लॉन्ग, द वेटिंग क्यू इज वेरी लॉन्ग, पीपल आर फॉर लॉन्ग वेटिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स टू गेट द जस्टिस। वो कोर्ट में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं अपने केस को फाइट करने के लिए। ओके, तो इसलिए ये भी कहा गया है, दैट इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय समय पर नहीं मिलता तो वो न्याय नहीं है। कैसे? हाउ? सी, इफ सपोज अ पर्सन इज फाइटिंग अ केस, समबडी हैज यू नो अटैक्ड हिम वेरी सीवियरली, किसी ने किसी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और उसने सामने वाले उस सो कॉल्ड कल्प्रिट के ऊपर केस कर दिया कि ही हैज ट्राइड टू किल मी, और मान लीजिए वो अगले 5 साल तक, 10 साल तक लगातार केस लड़े जा रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली इफ दैट पर्सन डाइज अ नेचुरल डेथ या बाई एनी अदर रीजन्स, विल देयर बी एनी यूज ऑफ गेटिंग जस्टिस? कुछ फायदा होगा उस जस्टिस को मिलने का? तो दैट्स वाई इट इज सेड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सो इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द कोर्ट शुड एंश्योर टाइमली जस्टिस, द वेटिंग टाइम शुड बी रिड्यूस्ड। एंड ऑफकोर्स द वेरी गुड थिंग ऑफ आवर इंडियन कोर्ट्स इज कि इवन दो द जस्टिस इज बिट डिलेड, बिट टाइमली, बट स्टिल जस्टिस इज देयर। ठीक है, देर है कोर्ट्स में जस्टिस मिलने के लिए, देर इज अ फेमस प्रोवर्ब कि देर देर भले ही हो लेकिन अंधेर नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी, इट कैन बी डिलेड बट इट शुड बी अ परफेक्ट जस्टिस, इट शुड बी अ जेन्युइन जस्टिस।
ओके, सो दैट्स ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव कोरिलेटेड मैनी ऑफ दिस टर्म विद द लाइफ गोइंग अराउंड यू, एंड दैट वॉज द मेन मोटिव ऑफ टीचिंग यू दिस चैप्टर. जब तक आप इस वर्ड को अपनी लाइफ से कोरिलेट करके नहीं देखेंगे, तो ये जस्ट आपके लिए एक सिलेबस का पार्ट रहेगा. ओके, दैट्स वाई आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल मैनी अ टाइम्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन मदर टंग हिंदी एज वेल. सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे. हैव अ नाइस डे.